नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक टॉक्स में। आज हम बात करेंगे वीवो के नए फ़ोन की, जिसका नाम है वीवो V7 Plus, और देखेंगे क्या ये फ़ोन वर्थ बाइंग है या नहीं। और इसको कंपेयर करेंगे हम नोट 4 के स्पेक से, रेडमी नोट 4 के स्पेक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। का V7 Plus है वो है अप्रोक्सीमेटली 22,000 रुपीज़ का, और आपको वहीं जो Redmi Note 4 है वो मिलेगा 13,000 रुपीज़ में। तो पहले मैं आपको कुछ फीचर्स बताता हूँ Vivo V7 Plus के। Vivo V7 Plus में आपको जो है 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलेगा, स्नैपड्रैगन जो है 425 प्रोसेसर 1.5 GHz का मिलेगा, और आपको जो स्क्रीन रिजोल्यूशन होगी इसकी वो होगी 1440x720 pixels। बैटरी लाइफ है इसकी 3225 mAh की। तो ये थे कुछ क्विक स्पेक्स Vivo V7 Plus के। तो अब हम जानेंगे कि क्या ये Vivo V7 Plus जो है 22,000 रुपीज़ का फ़ोन वो ओवर प्राइज है या फिर वर्थ बाइंग है। इसको हम कंपेयर करेंगे Redmi Note 4 से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो Redmi Note 4 है उसमें आपको 2 GHz का प्रोसेसर मिलेगा और स्नैपड्रैगन 625 होगा, और स्क्रीन रिजोल्यूशन भी आपको जो है Vivo V7 Plus से अच्छी मिलेगी, वो होगी 1080x1920 pixels की, जो कि Vivo V7 Plus से काफ़ी अच्छा है। और FM रेडियो आपको इस फ़ोन में मिलेगा, हालांकि ये कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि जियो आने के बाद आजकल लोग ऐसे भी गाने सुन सकते हैं। बैटरी लाइफ की बात करें तो इसमें आपको 3225 mAh की बैटरी मिल रही है Vivo V7 Plus में, जिसकी प्राइस है 22,000 रुपीज़। और वहीं आपको जो है Redmi Note 4 जिसकी प्राइस 13,000 रुपीज़ है, वहां आपको बैटरी लाइफ मिल रही है 4100 mAh की। और आपको जो है बिगर डिस्प्ले मिलेगा Vivo V7 Plus में Note 4 के कंपैरिजन में, और कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा है इसका Vivo V7 Plus का, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि Vivo का जो है फ़ोन कैमरे के लिए ही जाना जाता है। तो क्या ये वर्थ बाइंग है, ये सवाल जो है काफ़ी सिंपल है कि Vivo V7 Plus जो है वो आपको मिल रहा है 22,000 रुपीज़ में, वहीं आपको Redmi Note 4 मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपीज़ में। स्पेक्स की बात करें तो कैमरे के सिवाय कोई स्पेक्स जो है Vivo V7 का अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 4। आपको Redmi Note 4 में स्नैपड्रैगन 625 मिल रहा है, यहाँ पे स्नैपड्रैगन 435, वहाँ पे 1.5 GHz का प्रोसेसर मिल रहा है, Redmi Note 4 में आपको मिल रहा है 2 GHz का प्रोसेसर। तो दोस्तों Redmi Note 4 जो है वो आपको वही फीचर्स दे रहा है जो Vivo आपको 22,000 रुपीज़ में दे रहा है। तो आप ही बताइए कि कौन जो है खाली एक मून लाइट सेल्फी, यानी कि आपको जो है फ्रंट में एक सेल्फी का जो है कैमरा मिलेगा, और साथ ही आपको वहाँ पर मिलेगा एक फ्लैश लाइट, फ्रंट फ्लैश, जिससे आप अपना सेल्फी जो है लाइट में ले सकते हैं, तो बस उसके लिए जो है आपको 22,000 रुपीज़ जो है पानी में डालने पड़ेंगे। तो दोस्तों मेरा यही मानना है कि जो Vivo V7 Plus है वो ओवर प्राइज है, और उससे अच्छा आप जो है Redmi Note 4 के लिए जाइए। पिक्सल डेंसिटी की मैं बात करूं तो 401 PPI पे बेस्ड है Redmi Note 4, वहीं जो 269 PPI है खाली Vivo V7 Plus का। तो रैम और जो इंटरनल मेमोरी है वो दोनों फ़ोन की सेम है। 4 GB रैम आपको Vivo V7 Plus में भी मिलेगा, वहीं Redmi Note 4 में भी आपको जो है इंटरनल स्टोरेज और दोनों सेम मिलेंगे, 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा अपने को ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी प्राइस पे बहुत डिफरेंस है। ये ओवर प्राइस फ़ोन है Vivo V7 Plus। तो आज के लिए बस इतना ही। याद रखिएगा Vivo का जो फ़ोन है वो काफ़ी महंगा है Redmi Note 4 से। आप जाइए लेकिन डेफिनेटली कंपेयर कीजिए दोनों फ़ोन को, फिर परचेस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करें नीचे, तो हमें जो है मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे वीडियोस व्यूअर्स को अच्छे लग रहे हैं और हम अधिक से अधिक वीडियोस जो है बनाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को हमारे और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।